गाइस, स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से। मैं दोस्तों, आज हम पार्टी चोखा बनाने जा रहे हैं और ना ये उपले पे बनेगा, ना ओवन में, ना ओटीजी में, ना कढ़ाई में। आज हम बाटी चोखा बनाएंगे अप्पे पैन में। बहुत टेस्टी और बहुत ही फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाता है। बारिश का मौसम है, बाटी चोखा बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बाटी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम चोखा बना लेते हैं, और उसके लिए हम ये एक बैंगन, कुछ आलू लिए हैं जो उबलने के लिए रखे हैं, और ये 3 टमाटर, इनको भूनेंगे। तो सबसे पहले इस बैंगन में सरसों का तेल लगा लेते हैं। हाथ पे ले रहे हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, इसको चारों तरफ अच्छे से लगा दें। सरसों का तेल लगाने से छिलका आसानी से निकल जाता है और बैंगन भी अच्छे से पक जाता है। टमाटर में भी थोड़ा सा लगा देते हैं। अब इस बैंगन में इस तरह से लंबे लंबे स्लिट लगाएंगे 2, और इसमें हम भरेंगे लहसुन। तो कुछ लहसुन की कलियां हम ये ले लिए और इसको इसमें भर लेते हैं। पहले जब भी हम लोग के यहाँ बैंगन का चोखा बनाया जाता था तो इसी तरीके से लहसुन मिर्च इसके अंदर भर दी जाती थी। बैंगन पकता था, साथ में लहसुन और मिर्च भी पक जाती है। तो एक साइड में मैंने 7-8 कलियां लहसुन की भर दी हैं, और दूसरे साइड में भी इसी तरह से स्लेट लगा देते हैं, और इसमें हम मिर्च 1 डाल देंगे, हरी मिर्च। ज़्यादा मिर्च नहीं डाल रहे हैं, काफ़ी तीखी मिर्च है, सिर्फ 1 ही इसलिए डाल रहे हैं। तो ये बैंगन हमारा भुनने के लिए तैयार हो गया। तो गैस पे जाली रख दिए हैं, गैस ऑन करके बिल्कुल धीमी फ्लेम पर ये सारी चीज़ें हम रख देंगे। तो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर उलट पुलट करते रहेंगे। तब तक हम सत्तू की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने ले लिया है सत्तू की बाटी बनाने के लिए 1 कटोरी सत्तू, चने का सत्तू। और ये चने के सत्तू में मिलाने के लिए ये हम सामग्री लिए हैं, 1 बड़ा प्याज बारीक काट के, थोड़ी सी हरी धनिया, अदरक छोटा छोटा बारीक कटा हुआ, कुछ 8-10 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, अचार का मसाला लिया है। अगर आपके पास भरवा लाल मिर्च का मसाला है तो आप उसे डालें, बहुत चटपटा अच्छा सा टेस्ट आता है। 1/2 नींबू का रस, इसके अलावा हम मंगरेल यानी कलौंजी और अजवाइन डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम सत्तू में 1-1 करके मिला लेते हैं। अचार का मसाला, ये हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, प्याज, हरी धनिया, अदरक बारीक कटा हुआ, लहसुन, थोड़ी सी कलौंजी, अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, नींबू का रस, दो चम्मच के करीब सरसों का तेल, मिक्स कर लें। इस तरह से होना चाहिए, बीच में ऐसे लड्डू की तरह से बनना चाहिए। अगर सरसों का तेल कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। बारिश में बाटी चोखा बहुत टेस्टी लगता है। अच्छे से ऐसे मसल मसल के पूरा सारी चीज़ें जो हैं एक सार कर लें। तो बाटी के लिए सत्तू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे हम लोग मकुनी भी कहते हैं। इस बीच हमारे ये 2 टमाटर पक गए थे तो इसे हम निकाल लिए हैं, और बैंगन का हाल दिखाते हैं। ये देखिए, 1 टमाटर और ये बैंगन अभी पक रहा है। बाटी के लिए हम आटा पहले से लगा कर रख लिए थे, बिल्कुल प्लेन आटा है ये। आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल के भी इसको गूंद सकते हैं। हम 1/2 घंटे पहले बिल्कुल मुलायम आटा गूंद के रख लिए थे, हल्का सा सरफेस पे तेल लगा लिए थे। तो अब हम लिट्टी बनाना शुरू करते हैं। जितना बड़ा आपका अप्पे पैन है उसके अनुसार आप लोई काटें। मैंने एक बड़े नींबू के आकार की ये लोई ले ली है। सूखा आटा लगाएं बीच में, ऐसे उंगली और अंगूठे की मदद से होल बनाएं और
सत्तू एक चम्मच के करीब भर दें। जितना बड़ा लोई है उसी के अनुसार सत्तू भी जाएगा। थोड़ा सा दबाते हुए और किनारों को ऐसे मिलाते हुए सील कर लें और बस ऐसे राउंड कर लें। बस इस तरह से हम सारी बाटी जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये जो बैंगन है हमारा सॉफ्ट हो गया है, भुन गया है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। और इसी जाली पे ये कुछ उबले हुए आलू हैं, इसको भी भून लेते हैं। जब उपले पे बनता है तो सारी चीज़ें उपले पर ही हम लोग भूनते हैं, आलू बैंगन टमाटर सब कुछ, लेकिन इस पे गैस पे भून रहे हैं तो इसमें भी हल्का सा सोंधापन आ जाएगा, तो थोड़ी देर इसको रोस्ट होने देते हैं। आलू हमारे भुन गए हैं तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। एक बार ऐसे चोखा बना के ट्राई करिएगा और फिर स्वाद में अंतर देखिएगा। गैस बंद कर देते हैं और ये सारी चीज़ें हमारी जो आलू बैंगन टमाटर चोखा की सारी सामग्री है वो भुन चुकी है। तो ये सारी लिट्टी मैंने बना ली है, 12 लिट्टी बन के तैयार हुई है, क्योंकि मेरा जो अप्पे पैन है वो 12 अप्पे वाला है, तो इसलिए मैंने 12 लिट्टी बनाई है। और जितने बड़े अप्पे बनते हैं उसी हिसाब से आप लिट्टी का साइज़ रखेंगे, बाटी का साइज़ रखेंगे। और अब इस पर एक एक करके ये सारी बाटी जो है रख देते हैं। इसके हम ढक्कन लगा देते हैं। तो जब तक हमारी लिट्टी पक रही है हम इसका छिलका उतार लेते हैं और चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ठंडा हो गया है तो आराम से छिल जा रहा है और हम बिल्कुल इसे पानी में धोते वोते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि पानी में धोने से जो इसका जो रस वगैरह है अंदर का वो सब जूस निकल जाता है, तो जूस के साथ इसका टेस्ट भी निकल जाता है, तो इसलिए हम बिल्कुल धोना पसंद नहीं करते। ये लहसुन और मिर्ची ये भी पक गई है बिल्कुल। और थोड़ा सा ऐसा बैंगन को फैला कर देख लीजिए, बैंगन अगर अंदर से बिल्कुल ऐसे सफ़ेद दिख रहा है मीन्स कुछ भी इसके अंदर नहीं है, अगर कुछ रहता है तो वो पोर्शन जो है पकता नहीं है, कड़क हो जाता है और काला हो जाता है उतना दूर का और गलता नहीं है बिल्कुल। तो आप इस तरह से खोल कर बिल्कुल चेक कर लीजिए कि कुछ अंदर कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अब हम इसकी डंडी निकाल के और इसको मसल लेते हैं। कुछ भी इसमें मिलाने से पहले इनको मसल लेते हैं। तो सबसे पहले आलूओं को मसलें, ये टिप ध्यान रखिएगा चोखा बनाते समय, क्योंकि आलू जो है अगर आप बैंगन और टमाटर गीले होते हैं तो उनके साथ मसलते हैं तो कई बार कड़क रहता है रह जाता है। तो पहले आलू को मसल कर स्मूथ कर लें, दोनों को अलग अलग मसल लें, मतलब बैंगन और टमाटर को एक साथ, आलूओं को अलग। एक बार हम अपनी लिट्टी को चेक कर लेते हैं, ये गीली थी तो थोड़ी सी चिपकने लगी थी, तो इसको पलट लेंगे और अंदर से बाहर में जो सेंटर में है उसको बाहर की ओर कर दें। ये देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन सा कलर आया है। इसको चारों तरफ ऐसे पलट पलट के, पहले इसको इस तरह से, ये देखिए सारी लिट्टी को मैंने पलट लिया है, फिर से ढक्कन लगा देते हैं। तो ये आलूओं को मसल कर स्मूथ कर लिए हैं, इसे इसी थाली में साइड कर लेते हैं। और ये बैंगन और टमाटर को एक साथ, इसमें का अगर टमाटर का बीच में ऐसे कड़ा बच जाता है तो उसको निकाल कर अलग कर दें, अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो उसे न मसल लें। ये देखिए बीच में ऐसा कड़क सा रह गया तो उसको हटा दें। बैंगन टमाटर को भी अच्छे से मसल लिए। अब लहसुन ऐसे देखिए दबाते ही पेस्ट सा हो जाता है, तो इसे भी दबा दबा के मसल लेते हैं। मिर्च भी ऐसे ही टूट जाती है हाथ से और हम इसमें एक्स्ट्रा मिर्च नहीं डाल रहे हैं, आप चाहें तो कच्ची भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन काफ़ी तीखी मिर्च है, इससे ही काफ़ी तीखा हो जाएगा, इसलिए हम और मिर्चें नहीं डाल रहे हैं इसमें। तो अब सारी चीज़ें मैश कर लिए हैं तो अब हम इसमें डाल रहे हैं एक प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट लगभग आधी छोटी चम्मच है, तकरीबन एक बड़े चम्मच कच्चा ही सरसों का तेल। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और चोखा हमारा रेडी है। चोखा हमारा बन चुका है तो अब चलते हैं लिट्टियों की तरफ। लिट्टी को एक बार बीच में पलटे थे, फिर से एक बार पलट लें
इसको ऊपर नीचे तो करें ही, जो साइड बीच में है उसको साइड में कर लें और जो साइड में है उसको बीच में कर लें। से ये प्लेस चेंज कर लें ताकि इवन कुकिंग हो। फिर से ढक्कन लगा देते हैं। तो सारी बाटी ये देखिए हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन की चारों तरफ से सिक चुकी है। तो गैस बंद कर देते हैं और लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो अब हम निकालते हैं एक बाटी और इसको हल्का सा दबा के तोड़ेंगे। और इसे डिप करेंगे देसी घी में। सर्विंग प्लेट में रखें, साथ में ये चोखा लीजिए। बाटी चोखा की मेरी ये प्लेट बिल्कुल तैयार है। और अप्पे पैन में देखा आपने कितनी इजीली बन जाता है, बहुत जल्दी से बन जाता है। लगभग 8-10 मिनट सिर्फ लगते हैं बाटी को बनने में, और चोखा को बनने में तो बस भूनने की देर है 2-3 मिनट, बस मसलने में और मिक्स करने में सारी चीज़ों को। तो लगभग 10 मिनट में अप्पे पैन में बाटी चोखा बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक एंड बाय बाय।